नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा तीसरी में एक गणित की नई अवधारणा लेकर आए हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप गणित की कंसेप्ट को, गणित की अवधारणाओं को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें, और अगर एक बार ना क्लियर हो तो दो बार देख सकते हैं आप। इसमें फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों देखो, क्या है लंबा, क्या है छोटा, ये देखो। ये सामने मेरे दो लगाई चीजें, एक सीटी है, एक सीटी है। कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये है लंबी और ये है छोटी। क्या है लंबा, क्या है छोटा, आज का हमारा यही टॉपिक है। हम वस्तुओं को माप कर देखेंगे कि कौन सी वस्तु लंबी है, कौन सी छोटी है। हम मीटर सेंटीमीटर का ज्ञान करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अरे पार्थ आना भाई, जरा इन किताबों को देख गुड के बताओ। मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। इन किताबों को देख के बताना, जरा माप के बताओ, देख के आप कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। सर, ये वाली बड़ी है सर। हाँ, ये वाली लंबी है ना, थोड़ी देखो ये बड़ी हुई है, ऐसे बड़ी हुई है ना, तो ये वाली बुक लंबी है और ये वाली छोटी है। चलो हम इस छोटी सी दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को मापते हैं। आप माप के देखो बाल, इससे पहले जरा बोल के मापना। पांच से कुछ ज्यादा। पार्थ ने मापा, ये जो लंबाई है यहाँ की बालिश से, पार्थ की बालिश कितनी आ गई, बताओ पांच से ज्यादा। चलो इसको मैं मापता हूं, अब देखते हैं। एक दो तीन चार, ओ ये पांच से कम, तो मेरी कितनी आई, पांच से कम। अरे ये तो डिफर कर गई बच्चों। अब कोई छोटा बच्चा मापेगा तो उसकी और ज्यादा बालिश आएंगी। क्यों आई ये फर्क, क्योंकि बालिश में अंतर होता है ना। जब हम वस्तुओं को मापते हैं, जब हम दूरियों को मापते हैं कदमों से, बालिश से, तो हमारे अंतर अलग अलग आ सकती हैं। किसी की बालिश लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। अरे पार्थ इसको इसकी सहायता से मापना भाई, आना चले जल्दी, इसकी सहायता से माप के दिखाओ इस दूरी को। लो सही मापना, ये पूरी आ गई ना। चलो अब मैं मापता हूं, दिखाना इसको, ये तो पूरी आ गई एक। अब मेरी भी इतनी आ गई बच्चों, मेरी भी इतनी आ गई। चाहे कोई भी माप ले तो इसकी लंबाई तो इतनी ही आएगी ना इस पित्ते से। तो यही तो क्वेश्चन है हमारा कि हम लंबाई को किस में मापें। लंबाई को हम मीटरों की सहायता से मापेंगे। ये हमारा स्केल कितना है बच्चों, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, देखो ये ध्यान से देखो आप। इस ये लंबाई हमारी 1 मीटर है। कितनी लंबाई बच्चों, ये 1 मीटर। चलो फिर हम पेंसिलों कैसे, पेंसिल की लंबाई को कैसे मापेंगे, ये तो बहुत छोटी लंबाई है। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए हमारे पास छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई कौन सी है भाई, ये कितनी दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है, 1 मीटर। और इस पेंसिल को कैसे मापेंगे, आपकी किताब में भी जो रखे है ना छोटी लंबाइयों को मापना। इस पेंसिल को देखो, यहां से हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। ये स्केल देखा आपने, आपके पास होता ही है ये छोटा स्केल। तो ये कितना है देखो बच्चों, इसके ऊपर छोटे छोटे 15 निशान लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 15 तक है। तो ये कितने आएंगे इसमें, और ये थोड़ा बड़ा स्केल है देखो, ये कितने का है, ये 30 का है। अब इसमें देखते हैं, चलो देखो ये एक यहां तक आ गया, यहां से ज्यादा कितना आ गया बच्चों, एक। फिर यहां से ज्यादा कितना आ गया, दो। यहां से ज्यादा कितना आ गया, ये 30। और ये आगे ये 10 और आ गया, ये 30, ये 30, ये 30। इसमें जो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं ना आपके, ये कितने कितने आए, 30, 30-60, 30-90 और 10-100 आ गए। यानी कि ये जो आपके स्केल में छोटे छोटे निशान, इसमें तो 15 है, आपके छोटे वाले स्केल में कितने हैं, 15 है। तो ये दो के बराबर, देखो ये 15 और ये 15-30, इसमें 15 है। तो ये कितने आएगा यहां से यहां तक, ये 15 और ये 15, ये भी इसी प्रकार से आएगा। यानी कि ये 6 रखने पर पड़ेगा हमारा, और ये 3 रखने पर बनता है। तो यानी कि 1 मीटर क्या हो गया, 1 मीटर बराबर है 100
छोटे निशान। इब इस छोटे निशान को क्या कहते हैं बच्चों? छोटे निशान को हम कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। चलो हम सेंटीमीटर देखते हैं कितना होता है। ये बहुत छोटा होता है। ये देखो, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बड़ा हुआ है, चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो छोटी सी लंबाई है ना, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मेरे पास जो चिन्ह लगे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर का है ये। कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये हम इनकी सहायता से मापते हैं। देखो, ये रामू के, शामू का घर है, गोलू का घर है। रामू के घर से शामू का घर और गोलू का घर, किसका घर दूर है? आपको देख के पता चल रहा है सर, ये दूरी ज्यादा है। तो गोलू का घर दूर है ना, गोलू घर दूर है। और इन सीट में भी आपने देखा, इसको हम सीट को स्केल की सहायता से माप सकते हैं। कैसे मापेंगे? देखो, यहाँ से ये रख के, आप किताब में भी देख के, चलो आपको किताब के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें थोड़े बड़े करके दिखा रखे हैं आपको, ये छोटे निशान दिखा रखे हैं जो आपको, ये सेंटीमीटर के हैं। किसके बच्चे? सेंटीमीटर। तो ये छिपकली की लंबाई कितनी है? अब आपको अंदाजा हो गया, 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? मैंने बताया था अभी आपको, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। तो ये निशान यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये माचिस की तीली कितनी लंबी है? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। माचिस की तीली की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ये हल्का भूरा, ये जो ये लगा हुआ है यहाँ पर रंग है जो, इसकी लंबाई कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेंटीमीटर। पत्ते की लंबाई 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको? पत्ते की लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर। और माचिस की तीली की लंबाई, माचिस की तीली बराबर है 4 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं छिपकली की लंबाई कितनी है। यहां से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यह है तो 13 सेंटीमीटर है, छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। इसी प्रकार से आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से अपनी पेंसिल को नापें और अन्य वस्तुओं को सेंटीमीटर में मापकर सेंटीमीटर का ज्ञान करें और यह पता लगाएं कि मीटर ज्यादा दूरी होती है, मीटर लंबी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी मीटर है और 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 छोटी छोटी दूरियों को मिलाकर सेंटीमीटर बनता है। ये हमारा कितने का है? 10 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से अगर हम यहाँ 10 रखें तो हमारा 1 मीटर बन जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हमारा 1 मीटर बनता है। और आपका ये छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है और ये बड़ा स्केल आपका 30 सेंटीमीटर का होता है। आपने बच्चों सेंटीमीटर में दूरियों को मापना है, छोटी छोटी पेंसिल की दूरी, अन्य दूरी मापना है। धन्यवाद।